इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से बीआरएस रुकन कौंसल के कविता को दहली शराब घोटाले में दोबारा नोटिस जारी करते हुए 20 मार्च को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। दहली शराब मामले में इल्जाम का सामना कर रही भारत जागरूक की सदर के कविता आज ईडी के रूबरू हाजिर नहीं हुई है। उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बीआरएस सोमा भरत कुमार के जरिए ईडी को मकतूब भेज कर कहा कि वो खराबी सेहत की बिना पर हाजिर होने से खासिर है। कविता ने बैंक खाते की तफसीलात तजारती तफसीलात भी रवाना की है। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दोबारा 20 मार्च को तलब किया है। याद रहे कि बीआरएस रहनुमा सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है, उनकी अर्जी पर 24 मार्च को सुनवाई होनी है, लेकिन उन्हें इससे पहले ईडी के सामने पेश होना है। 16 मार्च को रामचंद्र पिलाई को ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए अदालत से हैदराबादी ताजिर की तहवील में तौसी की दरख्वास्त की है, ताकि के कविता और ताजिर दोनों से एक साथ पूछताछ की जा सके। दफ्तर वजीर आला ने वाजह किया है कि वो अदालत के फैसले के बाद ही मरकजी एजेंसी के रूबरू हाजिर होंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो 20 मार्च को ईडी के रूबरू हाजिर होती है या नहीं। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे लीक होने की तहकीकात मौजूदा जज से करवाने और आईटी वजीर के तारक रामा राव से मुस्तफी होने की मांग की है। बंडी संजय कुमार ने चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल पहुंचकर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ कारकुनान से मुलाकात की और इंसाफ के लिए लड़ने वालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने, उन्हें हिरासत में लेने पर हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर शदीद नुक्ताचीनी की। बंडी संजय कुमार ने वजीर आईटी केटीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि आईटी मिनिस्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद कई घोटाले हुए हैं, वो बतौर आईटी मिनिस्टर नाकाम हुए हैं, उन्हें फौरी मुस्तफी हो जाना चाहिए। करीमनगर एमपी ने कहा है कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा लीक करने वाले तमाम अफराद बीआरएस कारकुनान हैं और बीआरएस पार्टी मुलजिमान को बचाने की कोशिश कर रही। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ रमजान मुबारक के इंतजाम का जायजा लिया है। शहर के इलाके मासाब टैंक में वाक़ दफ्तर में हुए इस इजलास में वक्फ बोर्ड सदर नशीर मोहम्मद मसीउल्लाह खान, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोहियुद्दीन, GHMC वाटर वर्क्स बरकी व दीगर महकमों के हमरा वज़रा ने माह रमजान के पेश नज़र किए गए इंतजाम का जायजा लिया। अहदेदारों को तरक्याती काम, सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई, मसाजिद में रोशनी का इंतजाम, बिला तातुल आबी सरबराही के इकदाम करने की हिदायतें जारी की। महकमे बल्दी के अफसरान को कचरे की निकासी के खुसूसी इकदाम करने को भी कहा गया है। के बाद इसको सीरियस लेके रमजान का स्पेशल पैकेज क्या है देखे करके पूरे डिपार्टमेंट को अलर्ट करके जो ना मिनिस्टर्स को, जो सिटी के जो मिनिस्टर्स हैं उन लोगों को जो ना मॉनिटर करके कहीं भी सिटी में हो या तेलंगाना स्टेट में हो लाइट बंद नहीं होना, पानी का प्रॉब्लम नहीं होना, गार्बेज भी जो है ना जब का जब उठना, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जो है ना सप्लाई होते तो जो है ना इससे मच्छर मक्खियां वगैरह होते बोल के हर एरिया में गली गली में जो है ना GHMC भी हर टाइम पे साथ दे रही है। अभी भी देंगे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, वाटर वर्क्स है और जो जो भी अपने डिपार्टमेंट है और हमारे बकबोर्ड का डिपार्टमेंट है, जहां भी अगर बकबोर्ड से जो सहूलत होना है बराबर हमारे चेयरमैन साहब भी हम लोग सब मिल के टीम वर्क करके मैं हज कमेटी का बोल के मौसम किया अपन ऑलराउंडर है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब करते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है, यही काम करने का नहीं है। कोई भी काम के लिए हमारा भी दरवाजा खुला है और हमारे मिनिस्टर साहब सबकी सदारत में अपन जो है ना किसी को प्रॉब्लम नहीं वैसा, कोई कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं होना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक के त्यौहार पे हर कोई खुश रहना और गवर्नमेंट की पूरी मिशनरी फ्री सर्विस देने के लिए तैयार है हमारी KCR साहब की गवर्नमेंट की पूरे स्टेट लेवल पे। आज भी जो है ना हमारे ऑफिसर्स पुलिस पूरे डिपार्टमेंट और हमारे मिनिस्टर्स MLA हर जगह आज पूरे वर्किंग में है और गली गली जो ना दूसरी गवर्नमेंट में भी हम देखे, मैं भी 13-14 CMO को देखा, मतलब हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट KCR साहब के दौर में जो काम हो रहा है आज तक किसी की गवर्नमेंट में ऐसा काम नहीं हुआ, क्योंकि कोई बोल बचन का काम नहीं है प्रैक्टिकल में आप लोग को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे सीनियर्स यादव साहब जो मिनिस्टर जो इंचार्ज है यहाँ के महमूद अली साहब सिटी के ग्रेटर हैदराबाद के, तो अल्लाह के करम से जो ना आप फिक्र ही मत करिए, किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कभी भी कुछ भी है तो आप लोग हज हाउस भी आइए, मिनिस्टर साहब कहीं भी आइए, बकपोर्ट चेयरमैन साहब कहें भी, महमूद अली साहब कहें भी, सब मिलकर जो ना एक ही काम कर रहा है, किसी का भी प्रॉब्लम है तो बराबर आप लोग वेलकम। खुदा हाफिज़।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रैन बाजार डिवीजन के इलाके मौला का छिला का दौरा करते हुए वहां जारी तामीरी कामों का मुआयना किया है। सरबरा कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA अहमद पाशा खादरी ने रैन बाजार डिवीजन के मुख्तलिफ महलजात का दौरा किया। कबलजी उन्होंने मौला का छिला का दौरा करते हुए वहाँ जारी नाले के कामों का जायजा लेते हुए अहदेदारों को काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। उनके हमरा रैन बाजार डिवीजन कॉरपोरेटर वासिरुद्दीन मजलिस के सीनियर कायदीन सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने तीगलगुड़े का दौरा किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व MP हैदराबाद बैस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने तीगलगुड़े का मुआयना करते हुए मलकपेट जोन के लिए गार्बेज पॉइंट से मुतालिक अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर MD शफी GHMC सैनिटेशन टीम मजलिस के लीडर सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में TSPSC पेपर लीक मामले को लेकर तुलबा तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। ABUP तुलबा ने OU आर्ट्स कॉलेज में एहतजाज करते हुए तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुस्तफी हो जाने की मांग की है। रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चाजात के अफशा मामले को लेकर तुलबा तशवीश में मुब्तला है। तुलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज में शिद्दत लाते हुए कातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तीसरे रोज भी तुलबा ने एहतजाजी मुजाहरे किए और चेयरमैन पब्लिक कमीशन जनार्दन रेड्डी को बरतरफ करने कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। एहतजाज करने वाले ABUP तुलबा को पुलिस ने तहवील में लेकर पुलिस थाने मुंतकिल किया। बाद अजां दीगर तुलबा ने बतौर एहतजाज OU लाइब्रेरी तक प्रगति भवन चलो प्रगति भवन रैली निकालने की कोशिश की। उन्होंने इस मामले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए CM KCR से मुस्तफी होने का मुतालबा किया है। ABUP की जानिब से आज बंद की कॉल दी गई थी। दूसरी जानिब कोठी वुमेन कॉलेज की तालिबात भी पेपर लीक होने से परेशान हैं। उनका कहना है कि रियासत में इतना बड़ा घोटाला हो जाने के बावजूद चीफ मिनिस्टर KCR और वजीर IT KTR कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 30 लाख तुलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। तुलबा ने TSPSC चेयरमैन और सेक्रेटरी को बरतरफ न करने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीजन में कंटी वेलगो कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया है। सरबरा कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी आँखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीजन मस्जिद फैसी शंकर नगर में एक मुफ्त कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस कैंप से रुजू होते हुए आंखों का मुआयना करने वाले मर्द व खवातीन में ऐनकें भी तकसीम की। रुकन असम्बली के हमरा ओल्ड मलकपेट के नुमाइंदा कॉरपोरेटर MD शफी मेडिकल ऑफिसर्स AIMIM के सीनियर कायदीन सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। रेड क्रॉस सोसाइटी के जेर एहतमाम आसिफ नगर MRO ऑफिस में CPR अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। रेड क्रॉस सोसाइटी के जेर एहतमाम हर शोबे में CPR से मुतालिक शऊर बीदार करने के लिए प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्राम्स के जरिए डॉक्टर CPR करने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरह दिल का दौरा पड़ने वाले शख्स को CPR करते हुए उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। इस बीदारी प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वरुलु, आसिफ नगर MRO फरहीन शेख, डिप्टी MRO प्रदीप रेड्डी के अलावा अमला रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर विजय भास्कर व दीकर ने हिस्सा लिया। आज जो दुनिया में हो रहा है हम 30 साल से देख रहे हैं, मगर कोविड के बाद जो हार्ट अटैक्स हो रहे, मतलब इसको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। आजकल जो देख रहे हैं अपन कार्डियक अरेस्ट, मतलब पूरा हार्ट बंद होना, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है, कार्डियक स्ट्रोक बोले तो सिर्फ दर्द, छाती में दर्द आके तकलीफ होना। सो ये दोनों में फर्क चाहिए। तो पहले अभी आज जो है अपन CPR एंड कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, मतलब हार्ट और लंग रीवोक फंक्शनिंग करने के लिए जो मेहनत करते हैं उसको CPR बोलते हैं, रिसस्टेशन बोलते हैं। सो आज कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा, कार्डियक स्ट्रोक क्यों हो रहा, तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता, नहीं तो अल्कोहल स्मोकिंग लेने से होता, नहीं तो BP शुगर रहने से होता, और कहीं ना कहीं कोई पोल्यूशन से होता। मगर आजकल ज़्यादा हो रहा, इसका मतलब जो है कोविड के वजह से, वायरस के वजह से
जो तित रहते वो तित खराब होने से उसमें से जो छोटे छोटे एम्बोलिज्म बोलते हैं उसको फैट एम्बोलिज्म बोलते हैं और नहीं तो क्लॉट्स बोलते हैं, वो तित से लेके हार्ट को जाके हार्ट में और जो ब्लड वेजल्स रहते जो खून सप्लाई करता वो ब्लड वेजल्स में ब्लॉक होने से ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हो रहा, ये सब समझना चाहिए। तो पहले जो चीज़ से हो रहा वो चीज़ को बंद करना जरूरी है, जैसा कि फैमिली हिस्ट्री रहे तो हफ्ते में महीने को एक बार कार्डियक टेस्ट कराना, नहीं तो साल को एक बार कार्डियक टेस्ट कराना, अल्कोहल बंद करना, स्मोकिंग बंद करना और बीपी शुगर को बिल्कुल कंट्रोल रखना। और ये कोविड पेशेंट्स रिकवर ऐसे पेशेंट्स हमेशा लंग फंक्शन टेस्ट चेक कर दे, जो है हार्ट का प्रॉब्लम भी जो है तो चेक करके रखने, इसके वजह से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो थीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन, हम जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट एंड हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सबको सिखाने को ये कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिखाने का मतलब जो हार्ट अटैक के बारे में समझाएंगे और उसके बाद वर्कशॉप एंड ऑन हैंड्स हैंड्स ऑन वर्कशॉप बोले तो ट्रेनिंग देना भी करते, तो इसके वजह से अपन लोगों को बचा सकते। सो हमारा ऑर्थोपेडिक का थीम ये साल थीम क्या है बोलते, ईच वन टीच वन, ईच वन सेव वन, मतलब हर एक आदमी को सिखाना और हर एक आदमी को बचाना, ये दोनों बात पे हम ये साल पूरा काम करेंगे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ। तो इसके लिए सब लोग कभी भी हमारे इंडियन रेड क्रॉस। हैदराबाद सिटी पुलिस के सेंट्रल जोन डीसीपी एम वेंकटेश वरुण ने शहर में नस्ब किए जाने वाले कैमरों को स्पॉन्सर करने वाले बिंत्रीफ एसोसिएट्स की सिफारिश की है। शहरिया ने हैदराबाद के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने और जराइम में कमी लाने के मकसद से सीसीटीवी कैमरों की तंसीब बड़े पैमाने पर की जा रही है। बिंत्रीफ एसोसिएट्स इन कैमरों को स्पॉन्सर करता है। डीसीपी सेंट्रल जोन एम वेंकटेश वरुण ने बिंत्रीफ एसोसिएट्स से जुड़े अपराध से मुलाकात की है। डीसीपी की जानिब से उनके इस इकदाम को सराहा गया है और उनकी हौसला अफजाई की गई। बीजेपी लीडर जगजीवन राम दरगाह मीर मोमिन चुप के साबिक मुतवल्ली ने वक्फ बोर्ड इंचार्ज सीईओ ख्वाजा मोहियुद्दीन से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम सौंपा है। तफसीलात के मुताबिक दरगाह मीर मोमिन चुक वाक़ लाल दरवाजा के साबिक मुतवल्ली सैयद इस्माइल अली शाह खादरी, सैयद सुलेमान शाह खादरी, बीजेपी लीडर जगजीवन राम पर मुश्तमिल वफ्द ने वक्फ बोर्ड पहुँच कर सीईओ ख्वाजा मोहियुद्दीन से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा। वफ्द ने दरगाह के अराजी के तहफ्फुज़ के लिए सैयद सुलेमान शाह खादरी को मुतवल्ली की जिम्मेदारी सौंपने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि दरगाह की अराजी का बड़ा हिस्सा लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जा किया जा चुका है। वक्फ बोर्ड सीईओ ने सिलसिले में कार्रवाई करने और सैयद सुलेमान शाह खादरी को मुतवल्ली मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवाई है। दरगाह है, दरगाह के तहत बोर्ड ऊपर में कई एकड़ों में पूरा लैंड कब्जा होगा, प्लाटिंग कर दिए वहाँ के लोग, और पुराना मुतवल्ली जो है ना याद अली शाह उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर भेज चुके हैं। असल जो है ना ये लैंड का मुतवल्ली है इस्माइल अली शाह, अमीन अली शाह यार ये लोग का ये इनका पोता है, ये सुलेमान शाह बहादुर इनका है। जो लैंड जो है ना मीर मोमिन चुप दरगाह के तहत लैंड है बोर्ड ऊपर में, या मीर मोमिन चुप का दरगाह भी है अलियाबाद में है, वो दरगाह के तहत जो किराएदारों से बचन उनका याद अली शाह का पोता जो किराया वसूल करके खा रहे पूरे कब्जे को इनको एंगेजमेंट कर रहे हैं। भाई एक ही मेरी गुजारिश है भुगवर्ड के लोग जो है ना वहाँ जो एक्टिंग मुतवली कर रहा है उन्होंने याद अली शाह का पोता उसको निकाल देंगे, किराए जो भी वहाँ पब्लिक का किराया आ रहा भुगवर्ड में जमा करो पैसे। मैं सीओ से एक ही गुजारिश करा, सीओ से डीएसपी साहब से सबकी गुजारिश करा, वो लैंड प्रोटेक्ट करो और जो है ना किराए भुगवर्ड में जमा करो। और ये सैयद सुलेमान शाह खादरी इन इनके दादा परदादा पूरे जो कागज़ में है उनके पास मुंतकब है, हर दिन रहने के बाद ये लोग पूरे चोरा खाली करते तो उन्हें पूरा वसूल कर रहा। मैं एक ही गुजारिश है सीओ साहब से, आप लैंड प्रोटेक्ट करो और किराए आप वसूल करो। मदरसे इकरा तालीमुल कुरान का सालाना जलसा 18 मार्च को मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में मुनक्किद किया जा रहा है। मदरसे इकरा तालीमुल कुरान लेडीज टेलरिंग व कंप्यूटर सेंटर के सालाना जलसे की सदारत मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद सादिक मोहियुद्दीन फहीम करेंगे। मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी अमीर जामिया निजामिया वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान AIMIM नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज चेयरमैन अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक इस मौके पर बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे।
मुंतजमीन के मुताबिक तलबा व तालिबात की जानिब से तालीमी मुजाहरा किया जाएगा। मेहमानान खुसूसी के हाथों तलबा व तालिबात में असनादात और इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। अवाम से कसी तदाद में सालाना जलसे में शिरकत करने की ख्वाहिश की गई है। हिंदुस्तान में मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस फिर एक बार फैल रहा है। राजस्थान में 4 गैर मुल्की बाशिंदों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से राजस्थान आने वाले 4 गैर मुल्की सयाहों बशमूल एक खातून का कोविड-19 टेस्ट मुस्बित आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज के VC डॉक्टर सुधीर भंडारी ने ऑस्ट्रेलवी बाशिंदों में कोरोना वायरस की तशखीस होने की तस्दीक की है। 4 अफराद फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जेर इलाज है। मरकजी वजारत सेहत ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए रियासतों को अलर्ट किया है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक मकतूब रवाना करते हुए कोविड-19 की शरह में इजाफा होने पर मोहतात रहने का मशवरा दिया है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 754 केसेस दर्ज किए गए हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद अब 4,623 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 4 महीनों के बाद एक दिन में 700 से ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत ने बताया कि 24 घंटों के दौरान 754 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और रियासत कर्नाटक में एक हलाकत हुई है। रियासत कर्नाटक में होने वाली एक मौत के बाद कुल महलुकीन की तादाद 5,30,790 हो चुकी है। महकमा सेहत ने एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.01%, कौमी सेहत याबी की शरह 98.8% बताई है। इस बीमारी से 4,41,57,297 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। शरह अमवाद 1.19% दर्ज की गई है। हिंदुस्तान में जारी टीका अंदाजी मुहिम के जरिए 220,64,00,000 अफराद को कोरोना टीका दिया जा चुका है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।